हे एवरी वन सो वेलकम टू माई चैनल मिस बॉटन ऑफ लेक माई सेल्फ अनशुल सो इन टोडे इस वीडियो आल बी टेलिंग यू अबाउट द टॉपिक द ओरिजिन ऑफ वायरस तो आज की वीडियो में हम लोग ओरिजिन ऑफ वायरस से रिलेटेड जो थी थ्योरीज है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है इन द फील्ड ऑफ वायरोलॉजी इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो सबसे पहले मैंने आपने तीन थ्योरीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो कि वायरस के ओरिजिन को आपको बिल्कुल से समझा देगी पहली होती है थ्योरी ऑफ को इवोल्यूशन दूसरी होती है रेट्रोग्रेट इवोल्यूशन थ्योरी और तीसरी होती है एस्केप थोरी ठीक है तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी ऑफ को इवोल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। ओरिजिनेटेड इन द प्राइमोडियल सूप एंड को विद मोर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म सच एज यूबैक्टीरिया। तो देखो थ्योरी ऑफ को इवॉल्यूशन बोलती क्या है आपने सुना ही होगा कि प्रीवियस टाइम पे जब हमारा एक तरीके से रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था तो वहां पे एक प्री बायोटिक सूप बना था जिसको हम प्राइमोडियल सूप भी बोलते हैं तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग को इवॉल्व करना मतलब साथ में बढ़ जाना ठीक है ये पेन है इसके साथ मेरी एक और पेन है वो दोनों आपस में ग्रो कर रही हैं बिल्कुल साथ साथ ग्रो करती है तो ये को इवोल्यूशन देखने को मिलता है तो ये थ्योरी ये बोलती है कि जो वायरसेस थे उस प्राइमोडियल सूप में ये तो एग्जिस्ट करते थे एक ये क्या करे जो बाकी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म थी उस टाइम पे जैसे आर के या फिर यू बैक्टीरिया इनके साथ साथ वायरस भी इवॉल्व हो गए इसलिए इससे बोला थ्योरी ऑफ को इवोल्यूशन मतलब कि ये जो वायरसेस थे वो कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म जैसे आर के और यू बैक्टीरिया के साथ साथ क्या हुए इवॉल्व होते गए इन द प्राइमोडियल सूप देन वी हैव द रेट्रोग्रेड इवॉल्यूशन देखो रेट्रोग्रेड इवॉल्यूशन थ्योरी क्या बोलते हैं ये भी बहुत सिंपल सी थ्योरी है बस रेट्रो कहने का मतलब है कि रिवर्स हो जाना उल्टा हो जाना कोई चीज फॉरवर्ड चलती है कोई चीज रिवर्स होती है तो इवोल्यूशन जब बैक फेस पे चलता है ना मतलब फॉरवर्ड की जगह वो बैकवर्ड होने लगता है तो उसको हम रेट्रोग्रेड इवोल्यूशन बोलते हैं तो यहाँ पे होता क्या है इट्स एन अजम्पन दैट वायरसिस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्री लिविंग और पैरासिटिक प्रो करियॉर्ड द बायोसिंथेटिक कैपेसिटी एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इवेंचुअली द प्रो इवॉल्व टू अ ग्रुप ऑफ जीन्स कॉल्ड वायरसेज ठीक है तो ये बहुत सिंपल सी थ्योरी है जो कि क्या बोलता है देखो आपने ये सुना ही होगा कि वायरसेस और बैक्टीरिया में अगर मैं आपको बोलूँ कि कौन सा ज्यादा इवॉल्व फॉर्म है तो आप लोग कहोगे भाई बैक्टीरिया क्योंकि बैक्टीरिया के पास क्या है अपनी सेल है वो प्रोकरियोर्ट है उसके पास अपनी सेल है भले ही उसमें क्या हो यू के कंपेरिजन लेस फीचर्स हो लेकिन वायरस के कंपेरिजन में जो बैक्टीरिया प्रोकरियॉर्ट है वो ज्यादा इवॉल्व है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है तो यहां पर इवॉल्यूशन की थ्योरी रेट्रोगेट ये बोलती है कि भाई वो जो प्रो है उससे वायरसेस का फॉर्मेशन हुआ है जो कि थ्योरी एक तरीके से पूरी अजम्सन मानी जाती है तो ये थ्योरी बिल्कुल फेल हो जाती है अब यहां पे जनरली थ्योरी बोलती क्या है कि एक बार एक अच्छा खासा पैरियॉर्ड था अचानक से उसकी यादाश्त हो गई ठीक है ये चीज़ उसी चीज़ को बोलता है कि उसकी यादाश्त हो गई और जब उसकी यादाश चली जाती है मतलब वो ये चीज़ भूल जाता है कि भाई मुझे क्या काम करना है उसकी जो बायोसिंथेटिक कैपेबिलिटी होती है वो लूज हो जाती है उसका जेनेटिक मटीरियल लॉस हो जाता है तो वो जेनेटिक मटीरियल अपने को फिर इवॉल्व करते हुए एक नया ग्रुप ऑफ जीन बोलता है जिसको हम बोलते हैं वायरसेस ठीक है तो बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि प्रोकरियॉट से वायरस बनते हैं और कैसे बनते हैं जब प्रोकरियॉर्ट अपनी बायोसिंथेटिक कैपेसिटी को लूज कर देता है इसके बाद से जो थर्ड और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी होती है वो होती है एस्केप जीन थ्योरी थ्योरी जो कि आप लोगों ने बहुत सुनी होगी एस्केप जीन थ्योरी एस्केप करना मतलब भाग जाना किसी चीज़ को देख के डर के डर भाग जाना बिल्कुल ठीक है तो एस्केप जीन थ्योरी मतलब किसी से बस्ते हुए निकल जाना कहीं और फिर अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करते ना तो इसको हम एस्केप जीन थ्योरी बोलते हैं मतलब एक जीन था जो कि सेल से बच के भागा बिल्कुल निकल गया वो उस दुनिया से और अपनी उसने नई दुनिया बसा ली तो उसको हम बोलते हैं एस्केप जीन थ्योरी क्या होता है कि डीएनए आर एन ए जो भी सेल है चाहे उसमें डी ऑक्सराइबो न्यूक्लियर एसिड हो राइबोन्यूक्लिक एसिड हो उसमें से एक छोटा सा पीस जेनेटिक मटीरियल का सेल के बाहर आ गया और उसने इंडिपेंडेंस ले ली मतलब की वो सेल से इंडिपेंडेंट होके कहीं दूर चला गया और दूर जाने के बाद क्या हुआ उसने एक तरीके से एक नया स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम बोलते हैं वायरस ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है फॉर द ओरिजिन ऑफ वायरस अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो एस्केप जीन थ्योरी होता है वो जो एस्केप पार्ट होता है ना वो कुछ भी हो सकता है या तो वो ट्रांसपोजोन होता है या फिर वो एपिजोम या फिर प्लाज्मिट का पार्ट हो सकता है ठीक है तो द ओरिजिन मे हैव बीन आइदर फ्रॉम द एपिजोम और प्लाज्मेट या फिर वो ट्रांसपोजोन्स के थ्रू होता है अब एपिजोम या प्लाज्मेट होता क्या है दे आर द स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड नॉन क्रोमोजोमल डी ऑफ द बैक्टीरिया मतलब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरीडेटरी मटेरियल माने जाते हैं किसके बैक्टीरियल सेल के दे आर एबल टू रेप्लीकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द क्रोमोजोमल डीएनए देखो एपिजोम्स या प्लाजमिक्स की इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अगर ये क्रोमोजोम जो डीएनए का क्रोमोजोम है अगर क्रोमोजोमल से ये सेपरेट हो जाए तो इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है तो उसके बिना भी ये रेप्लीकेट करके जिंदा रह सकते हैं अगर ट्रांसपोजोन्स के बारे में कहेंगे लेकिन ट्रांसपोजोन्स का थोड़ा सा इसलिए कम हो जाता है बिकॉज ट्रांसपोजोन क्या होता है कि इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि क्रोमोजोमल डीएनए से सेपरेट होते हुए अपने को रेप्लीकेट करवा सके ठीक है रेप्लीकेशन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है अगर ये मेन डीएनए एन के स्ट्रक् से हो तो ट्रांसपोजो क्या होते हैं? जीनोम के ठीक है right? ये pen है, इस pen में आप ये पोर्शन देख सकते हो ये जो पोर्शन है वो यहां से यहाँ कहीं भी मूव करेगा तो यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो आराम से रेप्लीकेशन शो करेगा लेकिन अगर ये पोर्शन इस पेन से निकल के इधर आ गया तो ये अपनी रेप्लीकेशन की कैपेबिलिटी खो देगा इसको बोलते हैं ट्रांसपोजोन प्लाजमेट क्या होता है कि इससे ये पोर्शन निकल के आया और आराम से इसके बिना भी अपनी जिंदगी जी रहा है रेप्लीकेट करता है आराम से तो इसको हम बोलते हैं एपिजोम तो आप हमेशा याद रखना कि एस्केप जीन थ्योरी में जो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जहाँ से ओरिजिन बोला जाता है कॉम्पिटेटिव लेवल के अकॉर्डिंग टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दो होते हैं वो दो चांसेस होती है तो ट्रांसपोजोन्स के थ्रू उसका ओरिजिन हुआ होता है या फिर एपिजोम या प्लाजमेट के थ्रू तो अगर आपको ओरिजिन ऑफ वायरसेस आता है तो वहाँ पर आप क्या क्या थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हो थ्योरी ऑफ को रेट्रोग्रेड थ्योरी एंड द एस्केप जीन थ्योरी जहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है द एस्केप जीन थ्योरी ठीक है सो दीज आर द ओनली नोट्स एंड द एक्सप्लेनेशन ऑन द टॉपिक द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ वायरसेस इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू